हजूर साहिब हाले पहुंचे भी नहीं सी कि बुजुर्ग महिला दे नाल वापर गया ए पाणा। देखो किवें दरवाजा कट के माता नू कढ़िया गया बाहर। मरदी मरदी माता कह गई कुछ अजिहा कि लोग भी सुन के हो गए हैरान। सत श्री अकाल, तुसी जुड़े हो साडे यूट्यूब चैनल दे नाल। लुधियाना च रहिंदा एक बुजुर्ग जोड़ा जिन्हों की रब ते बहुत विश्वास सी। हर साल वह शिरडी जाया करते सी साईं बाबा दे दर्शन करन दे लई। उन्होंने साईं बाबा दे नाम तो लुधियाना दे विच अपना एक कपड़े का कारोबार भी शुरू किया सी। कहा जाता है कि यह काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते सी रब ते, ते हर साल अपने परिवार दे नाल इह शिरडी जरूर जाते ने। यह बुजुर्ग जिहड़ा जोड़ा है यह लुधियाना दे विच कल्ले ही रहिंदे ने। इन्हां दे जो बच्चे है वह विदेश दे विच सैटल हो चुके ने। ये बुजुर्ग कहते हैं कि वह अपने पंजाब दे विच रहना चाहते हैं, विदेश नू नहीं जाणगे। ते पिछों हुण वह लुधियाना दे विच ते रहिंदे ने ते हर साल शिरडी मत्था टेकन दे लई जरूर जाते हैं। तो इस बार भी उन्होंने शिरडी मत्था टेकन दे लई जाना सी, पर जो बुजुर्ग महिला है उन्होंने थोड़ी तबीयत खराब है जिस कारण वह पहला ही कह रहे हैं कि वह नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपने पति को आख दिता कि तुसी अपने दोस्त दे नाल चले जाना। जिस तों बाद पति दे वल्लों टिकटां दो करा लिया गई। उन्होंने दोस्त दोवें जाने तैयार हो गए कि वह शिरडी जाएंगे मत्था टेकन। पर एक रात की गल है कि सुपने दे विच उस बुजुर्ग जोड़े को साईं बाबा के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा गया कि तुसी शिरडी ना आओ, तुसी इस बार मेरे को ना आओ क्योंकि तुहाडा घर विच रहना बेहद जरूरी है। जिस तों बाद जब पति सवेरे उठाया तो उसने अपनी पत्नी को दस्या, तो अगर पत्नी ने भी आख्या कि मैनू भी यही सुपना आया है, पर कोई गल नहीं तुसी शिरडी जरूर जाओ क्योंकि असी हर साल जाने तो सानू इस साल भी जरूर जाना चाहिए। जिस तो बाद ये बुजुर्ग जोड़ा जिहड़ा सी वह अपने दोस्त दे कोल गया ते नाल ही वह दोवें जाने पति ते उसका दोस्त दोवें जाने शिरडी जाण दे लई निकल गए। तो पिछों बुजुर्ग महिला घर दे विच इकल्ली सी। ये दोवें जाने जा शिरडी जाण दे लई निकल गए ते ये ट्रेन विच हाले चढ़े ही है कि ट्रेन दे विच एक परिवार सी जिन्हां ने कि हजूर साहिब जाना सी। वह परिवार दे कोल जाते हैं, वह परिवार इन्हां दी सीट दे उत्ते बैठा हुंदा है। पर जब ये दोवें दोस्त उस परिवार के कोल जाके आखते हैं कि यह साड़ी सीट है, तो अगे उहदी परिवार आख दिंदा है कि सानू यह सीट कृपा करके दे दी जाए क्योंकि साडा इस वेले हजूर साहब जाना बेहद जरूरी है तो सानू टिकट नहीं मिली है। जेकर असी बिना टिकट तो गए तो साडा काफ़ी ज़्यादा वड्डा जिहड़ा चलान है वह भी कट्टिया जा सकता है, तो साडा इस वेले जाना बेहद जरूरी है, तो तुसी कृपा करके सानू अपनी सीट दे दो। जिस तों बाद यह बुजुर्ग व्यक्ति सोचता है कि इन्हां नूं कितें ज़्यादा जरूरत है जाण दी, वह अपनियां टिकटां इस परिवार नूं दे दिंदा है। फिर उस तों बाद वह ट्रेन दे विचों नीचे उतर जाते हैं। ट्रेन दे विचों जदों नीचे उतर जाते हैं तो वापस अपने घर नूं आ जांदे ने। जदों घर नूं वापस आउंदा है तो पति जब अपने घर दे विच दाखिल हुंदा है अपनी पत्नी नूं आवाज़ां लगाउंदा है तो पत्नी उसकी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं दिंदी। जिस तों बाद जब घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कितें भी नहीं है, तो दरवाज़ा जिहड़ा बाथरूम का सी वह बंद सी। तो उसने सोचा कि शायद उसकी पत्नी नहाउण दे लई बाथरूम दे विच गई होवेगी जिस कारण उसकी गल नहीं सुन पा रहे। पर काफ़ी समा हो गया, पत्नी जब बाथरूम दे विचों बाहर ना निकली तो बुजुर्ग इस आदमी ने उसनों आवाज़ा लगाउणियां शुरू कर दित्तियां, पर अंदरों दी भी पत्नी का कोई जवाब ना आया। जिस तों बाद इसने सारे मुहल्ले नूं इकट्ठा किया तो बड़ी ही मुश्किल दरवाज़ा तोड़ के जिहड़ी अंदर पत्नी सी उसनों बाहर कढ़िया गया। असल दे विच उह अंदर बेहोश होई सी। जब उसनों हस्पताल लैके गए तो डॉक्टर ने आख्या कि जेकर एक पल की होर देरी हो जाती तो इन्हों की मौत हो सकती सी। जिस तों बाद इस बुजुर्ग जोड़े ने सोचा कि सपने के जो इन्हों साईं बाबा के दर्शन होए थे वो इसी कारण हुए कि पिछे उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने वाली है, जेकर उस समय पति अपनी पत्नी को ना हों तो इसकी जान भी जा सकती सी।